हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ, जो फर्स्ट वीडियो डाल दिया उसका सेकंड पार्ट अभी डालने वाला हूँ, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। कंपनी का नाम मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सीपीआर सिविल कंस्ट्रक्शन डिवीजन नॉर्वे। नॉर्वे का बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है, बहुत ही शानदार खूबसूरत कंट्री है गाइस, सब लोग जाना चाहते हैं। ओके, लेकिन जॉब नहीं मिल पाता है या फिर रिक्वायरमेंट बहुत कम आता है नॉर्वे का। ओके गाइस, तो अभी मेरे पास में आया है नॉर्वे का रिक्वायरमेंट, तो अच्छे से वीडियो प्रॉपर बात करेगा, उसके बाद में मेरे को कॉल और मैसेज करें। ओके गाइस, इसका इंटरव्यू है, इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद में ऑफर लेटर आएगा। अभी 4-5 दिन तक मेरे पास में वैकेंसी अवेलेबल है। ओके गाइस, तो चलिए फिर, अगर कैंडिडेट नहीं हो पाते तो ज्यादा देर में रह सकती है। ओके गाइस, तो चलिए फिर वन बाई वन आपको कैटेगरी बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया हूँ, सेकंड पार्ट ये डालने वाला हूँ। एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए। ओके गाइस, एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए जिसकी सैलरी लगने वाली है 2500 यूरो। ओके, 2500 यूरो सैलरी लगने वाली है, और अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट करते तो 1 यूरो 89 रुपए कुछ पैसे में चल रहा है, 89.50 लगा लो, आप 50 पकड़ के चलो तो 2,22,500 रुपए होते हैं। ओके गाइस, टावर क्रेन ऑपरेटर चाहिए, 2500 सैलरी है। ओके, जो कि 2,22,500 रुपए होते हैं। ओके, टिपर ड्राइवर चाहिए। ओके, ड्राइवर लाइट ड्राइवर, जो टिपर ड्राइवर। ओके, टिपर ड्राइवर 1500 सैलरी है, प्लस इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हो तो 1,33,000 होता है गाइस। ग्राइंडर ऑपरेटर चाहिए। ओके, ग्राइंडर ऑपरेटर 1500 सैलरी है, जो कि 1,33,000 सैलरी होता है। ग्लास कटर चाहिए, शीशा काटने वाला। ओके गाइस, शीशा काटने वाला चाहिए, 10 लोग चाहिए सभी कैटेगरियों में, पहले ही फर्स्ट वीडियो में डाल दिया हूं और इसमें भी मैं बता रहा हूं आपको। ग्लास कटर चाहिए, 1500 सैलरी है, शीशा काटने वाला, जो कि 1,33,000 होती है गाइस। स्टील फिक्सर चाहिए, 1500 सैलरी है, 1500 यूरो, एक ही बार बता दिया हूं, यूरो में सैलरी मिलने वाली है। ओके गाइस, एंड स्टील फिक्सर चाहिए जो कि 1500 सैलरी है, 1,33,000 होता है। एंड रोलर ऑपरेटर चाहिए, 1500 सैलरी है, 10 लोग चाहिए, 1,33,000 सैलरी है। एंड कारपेंटर ऑल ट्रेड, जो भी कारपेंटर है ऑल ट्रेड के। ओके, कारपेंटर ऑल ट्रेड जिसकी सैलरी लगने वाली है 1500। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, बहुत ही अच्छी जॉब है गाइस, सब लोग मेरे को कॉल करके पूछते हैं सिक्योरिटी गार्ड का मिलेगा, अभी सिक्योरिटी गार्ड का जॉब आया है, 1500 सैलरी है, 1500, 1,33,000 सैलरी है, 10 लोग चाहिए ओनली, ऑन 2 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, एज मैं बता ही दिया हूं, 20 से लेके 45 तक सिक्योरिटी गार्ड में जॉब अप्लाई कर सकते हैं ओनली, बाकी सब 50 तक जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, इसमें बाय द वे 5.7 मेरे को हाइट चाहिए, 5.7 से ऊपर कितना भी हो, बाकी 56 से 60 kg से ऊपर वेट होना चाहिए। ओके, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर चाहिए। ओके, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर चाहिए जिसकी सैलरी लगने वाली है 1500, मतलब 1,33,000 सैलरी लगने वाली है। जनरल एयर कंडीशन टेक्नीशियन चाहिए, जनरल एयर कंडीशन टेक्नीशियन चाहिए, 10 लोग यहाँ पे चाहिए, 1500 सैलरी लगने वाली है। ओके गाइस, जो कि इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हैं तो 89 कुछ पैसे में चल रहा है, मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, तो 1,33,000 सैलरी है इंडियन मनी। हेल्पर चाहिए। ओके गाइस, कंस्ट्रक्शन हेल्पर या कारपेंटर के साथ में हेल्पर, स्टील फिक्सर के साथ में हेल्पर, ग्लास कटर के साथ में हेल्पर, ग्राइंडर के साथ में हेल्पर। ओके, तो इसके साथ में हेल्पर चाहिए, तो हेल्पर की जो सैलरी लगने वाली है 1,000 यूरो, मतलब 89,000। ओके, एंड टाइल मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन, सारे इसमें ऑल ट्रेड मेसन, ऑल टाइप। ओके, तो ये मेरे को रिक्वायरमेंट है, 10 लोग चाहिए टाइल मेसन ऑल ट्रेड में, 1500 सैलरी है, जो कि 1,33,000 होती है गाइस। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट वीडियो में डाला था वही मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि नॉर्वे का रिक्वायरमेंट काफी कम आता है, बहुत ही अच्छा बाय द वे रिक्वायरमेंट है, सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। ओके गाइस, तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके गाइस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का, कि ये सीबी सिलेक्शन जॉब है, आप उधर गए काम नहीं हुआ तो फिर आपको हेल्पर में काम करना पड़ेगा। ओके गाइस, हाँ, ये एक्सीवेटर, टावर और ड्राइवर्स, क्रेन ऑपरेटर, रोलर ऑपरेटर, इनका मेरे को बाय द वे लाइसेंस चाहिए। ओके गाइस, मेरे को इंडियन का लाइसेंस, एंड अगर बंदा बाहर गया है
तो एक्सपायर हो वैलिड हो दोनों लाइसेंस चलेंगे, इंडिया का चिप वाला लाइसेंस ऑलरेडी चलेगा। ओके गाइस, तो जो भी इंटरशीट कैंडिडेट जाना वाला है बाय द वे वही मेरे को कॉल और मैसेज करें। ओके गाइस, मिनिमम 2 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। ओके गाइस, एंड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, CV, फोटो, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड में एंड पासपोर्ट कॉपी फ्रंट एंड बैक पैन कार्ड आधार कार्ड ये मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट भी मेरे को चाहिए। ओके, 2 डोज मिनिमम होना चाहिए। ओके गाइज, 8 घंटे की ड्यूटी है, संडे ऑफ है, एज में बता ही दिया हूँ, 20 से लेकर 50 बाइक कर सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम सबसे महत्वपूर्ण, 3 महीने में काम हो जाएगा लेकिन 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चलते हैं गाइज, क्योंकि कैंडिडेट जो होता है परेशान करता है, सर वीजा नहीं आया, सर कब आएगा, सर ये कब होगा, सर वो कब होगा, तो मिनिमम 3 से 4 महीने, वैसे 3 महीने में काम हो जाएगा लेकिन हम 4 महीने 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। ओके गाइज, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारा चीज मैं बता दिया हूँ, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वही मेरे को कॉल और मैसेज करे प्लीज गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, फालतू में डिस्टर्ब ना करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना गाइज, क्योंकि जो भी कैटेगरी मिलती है भाई, जो बाहर जाने वाला है तो आपके ग्रुप में या जो भी है आपके फोन में जो बाहर जाने वाला है उनको भेजे, ताकि उनको उनकी कैटेगरी का जॉब मैच हो जाए। ओके गाइज, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप कोई वीडियो मिस नहीं करना पाए। ओके गाइज।